पिक्सी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की बात तुम्हारे दिमाग में आई तक कैसे? पिक्सी, यू कैन कीप द बेबी ना? ऑफ कोर्स यू कैन कीप द बेबी। या बट आई डोंट वांट टू। पर क्यों? क्योंकि पिया, मैंने रोहन को अकेले पाला है। अगर कल रवि के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करूंगी? दो दो बच्चे पालूंगी मैं। और वैसे भी टू गो थ्रू द होल प्रोसीजर, मेरे में ना वो हिम्मत ही नहीं बची है, इच्छा ही नहीं कर रही है। लेकिन पिक्सी, तुमने रवि के बारे में सोचा? उसे कितना बुरा लगेगा। तो जो कुछ रवि चाहेगा वही हो, वैसे तो नहीं हो सकता ना। कम ऑन पिक्सी, वो तुम्हारा हस्बैंड है, क्या वो नहीं चाहेगा कि बच्चा रहे? तो डिलीवर तो मुझे करना है ना। ऑब्वियसली पिक्सी। हाँ तो मैं नहीं करना चाहती। पिक्सी, दिस इज नॉट डन। तुम रवि के बारे में सोचो तो सही, उसे कितना बुरा लगेगा। I'm sure he wants his child. तुम लोग जो सोच रहे हो रवि के बारे में, उसके बारे में ही सोचते रहो। कमाल कर रही हो तुम। कौन सा आदमी ऐसा है जो ये नहीं चाहेगा कि शादी के बाद वो बाप बने? वो ही चाहेगा जो कुछ चाहेगा। मैं तो कुछ चाहती नहीं, मुझे तो समझने की कोशिश भी मत। एक काम करते, बाहर चल के बात करते। तुम लोग जाओ, मैं से सुलह कराती हूँ। शालू प्लीज, टीवी की आवाज स्लो करो। क्या बात है, कुछ ढूंढ रही हो? मेरा कोम नहीं मिल रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ। कोम? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं रिया ने? इस लड़की को मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन देखो शालू, अगर रिया ने किया है तो प्लीज उसे कह दो मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाता है। छोटी बच्ची है क्या? सख्त यार। और प्लीज ये बंद करो, मेरा सर दुख रहा है, परेशान करके रखा है सबने। ओके, हे पूर्ण, यू आर द डैड। हे, ये कंजूसी क्यों कर रहे हो यार? अरे शैंपेन है, पानी नहीं है। पिया, यू फर्स्ट। नो थैंक्स। व्हाई? अरे कम ऑन, पागल हो गया क्या? She is nursing the kid, यार। जब तक फीड दे रही उसे, she can't do it. Sorry. तो फिर पिया का हिस्सा ही मेरा। I'll have two glasses. ठीक है? Come on, hurry up, यार। Okay, okay. Okay, come on, everybody. I've got two glasses. Pia, from your side. Cheers. Cheers. वो लोग बच्ची सो रही है। Oh yes. Sorry. But really, यार, तुम दोनों की बेबी इतनी प्यारी है। She really is an angel, yeah. Yeah. I mean, she's very sweet. Yeah. Thanks. Mama, आप मुझे एक छोटा भाई नहीं दे सकते? फिर शुरू हो गए ना? मामा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब पियांटी ने एक छोटी बहन दी है तो आप छोटा भाई नहीं दे सकते? ठीक ही तो कह रहा है पिक्सी। पिया प्लीज, अब तुम तो ऐसे इनकरेज मत करो ना। माँ, मुझे कोई इनकरेज नहीं कर रहा है। आई जस्ट वांट अ लिटिल ब्रदर। यू जस्ट वांट अ लिटिल ब्रदर? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें खींच के। भाई चाहिए, भाई चाहिए, क्या है? बाजार जाऊं, खिलौना समझ रखा है, खरीद के ले आऊं? ओके, रिलैक्स। रोहन पे अपना गुस्सा क्यों उतार रही? तुम्हें वॉशिंग कराना है ना, करा लो, जो मन में आता है कर लो। यू आर नॉट डूइंग एनीवन अ फेवर हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू वेलकम। बट रिमेंबर, अगर तुमने अबॉर्शन कराया तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच जो कुछ भी है वो खत्म हो जाएगा। Reva, where are you? Reva? There you are. Come on, Reva. Give me a hug. Give me क्या? a hug. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, 1 minute. क्या हो गया? What's wrong? What's happened? Reva, तुम्हें याद है? मैंने तुमसे एक NRI group का जिक्र किया था, जिनके लिए मैंने एक project बनाया था. Software professionals. Exactly. हाँ. Well, that project is on. उन्होंने एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी के साथ मल्टीमिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हाँ, तो मल्टीमिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? One thing you don't know, Reva, that उस कंपनी में 25% share मनोविराज सक्सेना के भी हैं। 25%? Exactly. And do you know how much my share comes to? No. Over $1 million.
क्या कह रहे हो तुम? I don't believe this. Congratulations, Raj. मुझे यकीन था कि तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी. रेबा, जानती हो, जब मैंने खबर सुनी, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या है? क्या? I should give this news to my beautiful wife. Oh God, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ. मैं कह सकता हूँ कि क्या करना चाहिए. क्या? Celebrate, yeah. हाँ, तुमने जगह पसंद ही कर ली. बहुत बड़ा काम हो गया. You know, बिजनेस के लिए करेक्ट जगह होना बहुत जरूरी है. और ये हमारे हेल्थ स्पा के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट जगह थी. पता है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है. और जिस तरह से तुमने उस स्टेट एजेंट के साथ डील किया ना, दैट वाज फैंटास्टिक. ओह गॉड, बहुत थक गई हो. चलो मैं घर चलती हूँ. अरे, डिनर कौन करेगा मेरे साथ? नहीं, डिनर फिर किसी दिन कर लेंगे. तुम भी तो बहुत थक गए होगे, कितनी मेहनत की आज. अब आप बैठिए. देखिए, मैं जानता हूं कि आप थक गई हैं और मैं भी जरा सा थक गया हूं, लेकिन मेरे पास इस थकान को मिटाने का बहुत ही कमाल इंतजाम है. कैसा इंतजाम? यू नो, मेरे पास एक बहुत ही रेयर बॉटल ऑफ वाइन है. नहीं भाई, मैंने शराब पीना बंद कर दिया उस दिन. वो मनु के घर में जो हंगामा हुआ था ना, उसके बाद आई हैव डिसाइडेड नथिंग फॉर मी. ये शराब नहीं है, ये दिस इज अ वेरी रेयर वाइन. इसे आब हयात कहते हैं. सिराज, तुम जरा भी नहीं बदले. तुम्हें लोगों को, खास तौर पे औरतों को रिझाना अच्छी तरह से आता है. कभी अपनी इस दिलकश आवाज से और कभी अपने इस अंदाज से. ये बताओ, डिनर में क्या लोगे? जो तुम खिलाओगे. आज खाना आप ही डिसाइड करिए, पर वाइन पीने से पहले मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे. भाई, हुक्म, बंदा हाजिर है. सिराज, याद है वो गजल, वो नज़्म जो तुम मुझे सुनाया करते थे? तुम्हें आज भी वो नज़्म याद है? तुम्हारी तारीफ में लिखी गई थी. हाँ, क्या आज फिर से मुझे सुना सकते हो? हेलो जनाब. सिराज साहब, कैसे हैं आप? आलम बात कर रहा हूँ. जी आलम साहब, मैं ठीक हूँ. अस्सलाम वालेकुम. फरमाइए, आप कैसे हैं? मैं तो खैरियत से हूँ, बस आप ही का मुंतजर हूँ. आप पाकिस्तान कब तक आ रहे हैं? जी मैं अनकरीब आपको इत्तला करूँगा. जनाब सिराज साहब, 2-3 दिन में बता दीजिए. जी हाँ, जी मैं बता दूंगा. सिराज, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. कुछ तो बात है, या फिर तुम बताना नहीं चाहते? नहीं मंजू, ऐसी कोई बात नहीं. वो पाकिस्तान से कल्चरल मिनिस्ट्री का फोन था, मुझे पाकिस्तान वापस बुला रहे हैं. पाकिस्तान? लेकिन क्यों? वो तो मैं बाद में बताऊंगा. पाकिस्तान चलोगे? पाकिस्तान? मैं? सिराज, तुम तो मेरे हालात जानते हो. मेरे लिए जाना तो मुमकिन नहीं होगा. यू नो दैट वोंट बी पॉसिबल. रवि, वो जो तुमने पहले कहा था, वो मजाक कर रहे थे ना? कब? तुम मुझसे कह रहे थे ना कि अगर मैंने अपॉर्शन करा लिया तो हम दोनों. पिक्सी, अगर तुम्हें ये मजाक लगता है ना, देन आई कांट हेल्प यू.
तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आई नो दैट, ओके? क्यों नहीं कर सकता? अगर तुमने मुझे बाप ना बनने देने का इरादा कर लिया है तो मैंने भी ये फैसला कर लिया है। रिलैक्स रवि, ऐसा भी क्या है? ऐसा क्यों नहीं, पिक्सी ने एक डिसीजन लिया है तो मैं भी एक डिसीजन ले रहा हूं। ऐसे ही कह रहा पिया, मुझे भी ऐसे लग रहा है। वेल, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। मैं वही करूंगा जो मैं कह रहा हूं। अब अगर आप लोगों को मेरी बात सीरियस नहीं लगती है देन इट्स योर प्रॉब्लम। पिक्सी, अगर तुम अबॉर्शन करने हॉस्पिटल गई तो जब घर लौटोगी वहां मैं नहीं मिलूंगा। आई विल बी आउट ऑफ योर लाइफ। एनीवे, ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर डिनर, बाय, सी यू, चलो रोन। पॉप्स, आज मैं यहीं रुक जाऊं बेबी के पास? रोन प्लीज रहने दो, तुम तंग करोगे इनको। पिक्सी रहने दो इसे यहाँ। हाँ पिक्सी रहने दो, इट्स फाइन रियली। सी इट्स ओके विद मी। मामा ठीक है रोन रह लो, बट प्लीज पिया आंटी को वैसे भी बहुत काम है, तुम तंग मत करना इनको। ओके, डोंट वरी, थैंक्स पॉप्स। या सी बेटा, सी यू, बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू। फोन करती। मैं तुम्हें पाकिस्तान आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिराज, क्या क्या तुम यही नहीं रुक सकते? मंजू, बहुत मुश्किल है। देखो, उन्होंने बहुत ही बड़ा एजाज दिया है मुझे। दे हैव मेड मी द डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऐसे मौके जिंदगी में ना बार बार नहीं आते, कैसे रिफ्यूज करूं? इम्पॉसिबल। और फिर पाकिस्तान तो मेरा वतन है, एक ना एक दिन तो मुझे वापस जाना ही था। तो फिर क्यों आए थे यहाँ? मंजू, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो जानती हो तुम्हारी मौत की खबर पड़ते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मंजू, तो फिर अब क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? देखो सिराज, मैं जानती हूँ कि जब तुमने मुझसे ये बात कही थी तो मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं फैसला नहीं कर पाई थी, पर उसके बाद हमने साथ में वक्त गुजारा है, मुश्किलों में तुमने मेरा साथ दिया है। I've started getting dependent on you. मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा मेरे साथ होगे, हम दोनों अब तुम छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते थे हमेशा तुम, और पहला मौका मिलने पर छोड़ के जा रहे हो तुम मुझे। राज, तुम्हें इतने दिनों के बाद मैं इतना खुश देख रही हूँ। रेवा, इतने दिनों के बाद खुशी जो आई है मेरी जिंदगी में, जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी ना, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था मेरे पास तुम्हें देने के लिए। एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा और कुछ चाह भी नहीं है आज। मैं जानता हूँ रेवा, जानता हूँ मैं, लेकिन मेरे दिल में तो हसरत थी ना तुम्हें कुछ देने की। You know what I mean? मैं समझ सकती हूँ। आज तुम्हें कितना रिलीफ महसूस हो रहा होगा ना? Yes, Reva. बहुत ज़्यादा रिलीफ। Today I feel so confident, इतना ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें कह नहीं सकता। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा ना जैसे ये होने के बाद जिंदगी में तुम्हारी सारी परेशानियाँ एक ही झटके में ठीक हो जाएंगी? Yeah. You know, Reva, मैं इससे पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं किसी जंगल में भटक गया हूं, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। आज नजर आता है सब कुछ।
आज जो तुम्हें रास्ता नजर आ रहा है तो मुझे बीच जंगल में छोड़ के चले तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? उस जंगल में मेरे साथ तुम ही तो थी, और कौन था मेरे पास? तुम्हें कैसे छोड़ूंगा मैं? कैसे? I love you. I love you too. Cause for a celebration. Yeah, let's have a drink. I'll organize it. Mama, मैं क्या? तू समझती क्यों नहीं है? इतनी बात तुझे जो समझाया जाए उसे समझती क्यों नहीं है? अरे मामा, मैंने क्या किया? आप इतनी नाराज क्यों हैं? कितनी बार कहा है अपनी चीजें इस्तेमाल किया करो, और कुकु के मना करने के बावजूद भी तो उसका ब्रश क्यों इस्तेमाल कर रही है? मामा, मैं किसी और का ब्रश थोड़ी ना इस्तेमाल करूंगी, इतनी तो अकल है मुझे। ये किसका है फिर? मामा, ये मेरा ब्रश है। शालू, शालू प्लीज, आई एम सॉरी रिया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर दुर्द। कुकु, ये तुम्हारा ब्रश है क्या? आई एम सॉरी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा पेट में क्रैम्स आ रहे थे, इसलिए मेरा मूड थोड़ा स्विंग हो गया। आई एम रियली सॉरी। ओके, दवाई ली? नहीं, मैं ले लूंगी, थैंक्स। आई एम सॉरी। ओके, इट्स ओके। देखा, आप भी खामखा नाराज होती रहती है मुझ पर। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये तेरा ब्रश है। और कुकु ने मुझसे ऐसे बात की कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और सारा गुस्सा तेरे पे निकाल दिया। अच्छा अच्छा, इट्स ओके, नाउ रिलैक्स, मैं कॉफी बना रही हूँ, आपको चाहिए? हाँ, अब बैठो, मैं लेकर आती हूँ। स्माइल। मंजू, 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 राज, आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही हो। क्या मतलब? You're so unromantic. अब तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? देखो देखो रेवा, देखो, I'm on my fourth drink, right? तो समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, समझाना तो पड़ेगा। हंस क्यों रही है यार? हाँ, हंसो मत। देखो, ये क्या घड़ी की सुइयां उल्टी, घड़ी की सुइयां उल्टी कैसे घूम सकती है? आज मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब हम हर शाम साथ में गुजारा करते थे, याद है? तुमने कितनी ड्रिंक पी है? ये मेरी पहली ड्रिंक चल रही है और मैं पूरे होश में हूँ, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन दिनों तुम बार पे बैठना बहुत पसंद किया करते थे। But I've changed. अब मैं तुम्हारे पास बैठना पसंद करता हूँ। You know something, राज? उन दिनों मैं हमेशा एक सपना देखा करती थी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी कि हमारी जिंदगी की सारी शामें ऐसी ही गुजरे। मुझे क्या पता था कि सपना पूरा होने में 22 साल लग जाएंगे। चलो देर से ही सही, तुम्हारा सपना पूरा तो हुआ। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके सपने कभी पूरे नहीं होते? राज, आजकल मैं एक नया सपना देख रही हूँ। नाउ व्हाट? अब क्या देख रही? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं